8,000 करोड़ रुपए का मोदी जी का जहाज जा सकता है, और 4,41,00 करोड़ रुपया G20 समिट के इवेंट में खर्च हो सकता है। और यहाँ भर्ती के लिए, नई भर्ती के लिए, सरकारी नौकरी के लिए पैसा नहीं है, पेंशन के लिए पैसा नहीं है। ओल्ड पेंशन सिस्टम की बहाली के लिए गवर्नमेंट एम्प्लाईज कल हजारों लाखों की संख्या में रामलीला मैदान में आ रहे हैं। और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार राज्य है, वहाँ पर तो पुरानी सिस्टम की बहाली हुई है। नई पेंशन सिस्टम जो वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे लाए थे, और उसके बाद में जितनी भर्तियां हुई करीब 1 करोड़, अब जैसे जैसे उनका रिटायरमेंट करीब आ रहा है या VRS लेने का समय आ रहा है, अब उन्हें महसूस हो रहा है कि बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस देश के तमाम लाखों करोड़ों कर्मचारियों ने किस तरह से व्यवहार किया, नेहरू जी, इंदिरा जी और उसके बाद कांग्रेस की सरकारों ने करोड़ों लोगों को सरकार की नौकरी दी और पेंशन दिया, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस को बैठ करके आलोचना करते थे। अब पता लगा यही गलती थी कि कांग्रेस से पेंशन दिया, अब पता लग रहा है। इसलिए हमारा पूरा समर्थन है। अभी कुछ देर पहले ही विजय कुमार यादव, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम के लीडर हैं, DN सिंह हैं और मनजीत मान हैं, कमल उसरी हैं, ये सब लोग प्रेस वार्ता में थे और अरेंजमेंट की वजह से वो चले गए, आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था ओल्ड पेंशन सिस्टम, OPS। और हमने राजस्थान में भी OPS बहाल किया है और छत्तीसगढ़ में। तो ये जो कर्मचारी हैं करोड़, ये गेम चेंजर होंगे, 2024 में मोदी जी को उखाड़ के फेंक देंगे। इनकी मांगों को माना जाना चाहिए। और इस देश का 13 लाख करोड़ से ज़्यादा NPA हो जाता है, यानी बैंक का लोन माफ़ हो जाता है। 1,50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ अगर पेंशन भी दे दी जाए जाए तो कौन सी बड़ी बात। GTV का, सुभाष चंद्रा का लोन माफ़ हुआ 6,500 करोड़, वो ठेकेदार कभी नहीं थे। और जो मीडिया के व्यापार में थे, और उन्होंने ठेका लिया, खुद काम तो नहीं किया, सब कॉन्ट्रैक्ट बन गए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग दे दिया। इस तरह से इस देश में लूट रहे। अन्य जगहों पर खर्च होगा तो हम उनका समर्थन करते हैं, और कल रामलीला मैदान में हम जाके संबोधित करेंगे कि ओल्ड पेंशन सिस्टम की बहाली होनी चाहिए। बिल्कुल घेरेंगे, उन्होंने तो राहुल गांधी जी को भी इनवाइट किया है और खड़गे जी को भी इनवाइट किया है, लेकिन समय कम है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी और मैं दोनों कल उनके कार्यक्रम में जाकर के समर्थन पेश करूंगा। देखिए, ऐसा है कि इसमें मीडिया दोषी है, और इससे यह भी लगता है कि जाति कितनी ज़्यादा मजबूत है। अगर सबसे ज़्यादा जड़े किसी के मजबूत हैं तो यहाँ के देश के, इस देश में कर्मकांड और जाति, ठाकुर किसी संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो ठाकुर शब्द को भिन्न कंटेक्स्ट में, संदर्भ में कोट करके नेता कोई बन जाता है। आज फिल्म बनाना मुश्किल हो गया, आज तमाम वर्गों का नाम नहीं ले सकते, सबके आस्था का सवाल हो जाता है, जाति का सवाल हो जाता है,
तो ठाकुर का मतलब यह नहीं कि एक विशेष जाति। अभी कई जगहों तो ठाकुर कारपेंटर समाज के लोग भी शर्मा भी लिखते रहते हैं, लिखते हैं।